कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और टीआरसी ट्रैकिंग ब्लॉग की तरफ से आपको एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी सो के उठे हैं, सो के फ्रेश व्रेश होने के बाद अभी बैठे थे गाड़ी में, तो कुछ व्यू बता सकता है। गाड़ी खड़ी हुई है, ये कुछ व्यू है सामने का जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हुई है। और देखो मैंने जो जम्मू को नेशनल हाईवे 4 लेन पठानकोट से, और ये सामने वाली हैं सीमेंट की गाड़ियाँ हैं, लोड गाड़ियाँ हैं जो अनंतपुर साहिब से आती हैं यहाँ के लिए, और हम ऊपर से आए हुए हैं यहाँ लोड करने के लिए। दोस्तों अभी कर रहे थे गाड़ी में सफाई थोड़ी, कंबल कुम्बल थे रात के और कूलर लगाया हुआ था और इधर बुरे हाल थे, तो अभी थोड़ी सफाई वगैरह करके गाड़ी का रिव्यू बताते हैं आपको अंदर से। थोड़ी कुछ ऐसी गाड़ी है अपनी अंदर से, कुछ ऐसी है अपनी गाड़ी अंदर से। दोस्तों असलम ने कुछ शॉपिंग की, ये जो चीज है परौंदे, परौंदे लगा रहा है ये भाई, बाइक वाला बोलता है आगे से खाली है और परौंदे लगाएंगे गाड़ी को भर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप परौंदा लगा के? बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, चाय से पीने परौंदा लग गया है हमारे। कुछ रिव्यू ये है असलम की गाड़ी, टाटा अल्ट्रा 1918 T, और ये है अशोक लेलैंड जो अपनी गाड़ी है। वो जो अल्ट्रा है वो इस साल आई है, ये जो इक्विपमेंट है लेलैंड की पिछली साल आई है, और ये जो अपना ट्रक है ये है 15 मॉडल, ये हमने सेकंड हैंड लिया है। ये वाली गाड़ी नहीं है जो आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई गई थी वाइट वाली गाड़ी, वो भी नहीं ली थी, दोनों नई गाड़ी खरीदी, ये वाली गाड़ी सेकेंड हैंड ली है। लेकिन रिव्यू इसका भी चेक कर लो सेकेंड हैंड के बाद भी। तो कल जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारी 3 गाड़ियाँ थी और आगे 2-3 ट्राले थे, और आज ये लाइन तो नज़र ही नहीं आ रही है कहाँ तक लाइन है इस साइड को, और पीछे की तरफ देखें तो भी इधर भी लाइन नज़र नहीं आती है कहाँ तक है। बहुत गाड़ियाँ आ चुकी है लोडिंग के लिए और अनलोडिंग के लिए। और ये है जो त्रिपाल हमने पीछे कर लिया था, ये रात को हमने डाला था, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि हमें त्रिपाल डाला था, ये वो त्रिपाल है जो लिया था। तो कमेंट में बताए कैसा है त्रिपाल, ये हमने 4000 का खरीदा है कल, दिखाना कमेंट में बताना कैसा है त्रिपाल। तो भी आया कैंटीन में यहाँ पे, और अभी मटर और चाय कैंटीन में हो रहा है अपना, मतलब चाय अभी भी निकल रहे हैं यहाँ से, चाय का भी टाइम नहीं, 8 बज रहे लेकिन चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अपनी गेट के अंदर, और गेट पास बना के हमने गाड़ी लाई, और दूसरी गाड़ी जो हमारे साथ जाने वाली 7:25 तो ये भी आ चुकी हुई है और हमारी लगी हुई है उस पॉइंट पे सामने, और यहाँ से अंदर जाके इन ट्रालों में से माल पलटी होगा, अंदर लग रही है पार्किंग में, वहाँ से माल पलटी होगा अपनी गाड़ियों में। और बाकी जो अपनी गाड़ी है दूसरी वो थोड़ा सा इस दूसरी गाड़ी के पीछे है, और जो तीसरी गाड़ी है वो बहुत पीछे है अभी। फिर असलम चला गया अभी गाड़ी लोड करने के लिए, इसकी गाड़ी थोड़ी आगे होगी जाके छाई लोड, और अपने वाली जो 34F है वो भी आगे से लोड होगी, और अपनी गाड़ी होगी यहाँ 7 से लोड। तो अभी कुछ खाते हैं यहाँ पे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेते हैं कैंटीन से। तो दोस्तों 11:30 बज चुके हैं और गाड़ी अभी हमारी लोड हुई नहीं है, तो मेरी गाड़ी पीछे है और मैं आ गया हूँ अभी 87/85 और 56/87 ये लगी है ऐसे कुछ घास के ग्राउंड में, और 84F/86 लोड हो रही है सामने वाली, वो सामने उस ट्राले में लगी हुई है लोडिंग के लिए, और हम जरा डाले के नीचे बैठे हुए हैं, छत ऊपर लगा हुआ है। इनसे मिलो, ये वो बंदे हैं। दोस्तों आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैं क्या वहाँ पे जाके देखते हैं लोड होने का क्या सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे अभी लोड होने का सिस्टम कोई लगता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी 6 नंबर है, 6ठा नंबर मेरा है, और अभी कोई 20-25 गाड़ी अंदर जा चुकी है और बोलती है कि अभी 6ठा नंबर ही नहीं आया है, अभी सिर्फ 5 ही गाड़ी अंदर की है, तो ये धांधली चल रही है इनकी आजकल हर जगह, जहाँ भी गाड़ी लोड करने जाओ आप, खाली करने जाओ, कुछ भी हर जगह पैसा ही चलता है भाई, धांधली चलती है।
हर जगह में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बोलते हैं BRO के यहाँ है, हम परसों से आके रुके हैं, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, कोई वॉइस नहीं, बाहर से गाड़ियाँ आ रही है और सीधी अंदर जा रही है, और जो पहले के हैं वो बाद में आएंगे, मतलब सिर्फ पैसे का काम चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो कमेंट में बताना आपके आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपका नंबर पहले और पहले वाली गाड़ियाँ पैसा दे के या कुछ भी करके अपनी सेटिंग के हिसाब से गाड़ियाँ लोड हो रही हो और खाली हो रही हो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो ज़रूर बताएं कमेंट में भाई, अपनी सलाह दें हमें भी। खाना आ गया है अपना यहाँ पे, और जो असलम सेठ है इसको नमक कम लग रहा है, ये डिस्पोजल में सिर्फ नमक रखा, डाल दे नमक कम लग रहा है तो वो भाई बहुत कम नमक है, खा ले दोस्तों। गाड़ी लग चुकी है अपनी पॉइंट पे जहाँ पे लोडिंग होगी, अभी भी लग चुकी है अपनी गाड़ी और अभी लोड होगी, लेकिन अभी जो लेबर वाले थे उनका लंच हो गया है, तो अभी लंच करेंगे, उसके बाद आएंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी लोड करेंगे, तब तक लिए हम धूप खाते हैं यहाँ पे बैठ के। उसके बाद तो दोस्तों गाड़ी की लोडिंग होगी अपनी स्टार्ट अभी, तो कुछ ऐसा पॉइंट है आगे से खिड़की खोल के रखी है ना, क्योंकि यहाँ से हवा बहुत मेहनत कर रहे बहुत हार्ड वर्क होता है, जैसे सीमेंट लोड करनी हो हार्ड वर्किंग है, कि हमारे से तो गर्मी में इस गर्मी में खड़ा नहीं जा रहे, और ये बंदे बोरी उठा उठा के भाई पूरे ट्रक और इतने इतने बड़े ट्रेलर खाली कर रहे हैं बंदे, और कई कर चुके, ये नहीं किए कि कई ट्रेलर खाली कर चुके हैं। सो एक लाइक तो इनके लिए बनता है ब्रो। गाड़ी लोड होने के बाद अपनी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, पसीने से बुरे हाल, और अभी नहाने की तरफ जा रहे हैं कि नहाते हैं और फ्रेश व्रेश होते हैं, देखते हैं कहीं पानी मिलता है। पसीने के साथ बहुत बुरी हाल हो चुकी है, और खुशबू भी पसीने की बहुत बुरी हाल है, और अभी जा रहे हैं आगे जाएंगे, देखते हैं कहीं नहाने का पानी मिलेगा। ठीक है, इधर था एक नलका, वहाँ तो आ नहीं रहा है, आगे देखते हैं नहाने के लिए भी हमें बहुत। दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड, और रस्सा त्रिपाल हमने पीछे सारा डाल दिया है, और रस्सा त्रिपाल करके गाड़ी ले आए हम बाहर, और बिल जो थे बिल भी हमें मिल चुके हैं, और अभी दूसरी असलम की गाड़ी रहती है उसमें रस्सा त्रिपाल करने को, दूसरी चौथी एफ भी लोड होके बाहर खड़ी है, उसमें भी रस्सा त्रिपाल हो गया, सिर्फ एक गाड़ी रहती है जिसमें रस्सा त्रिपाल होना है, तो अभी करते हैं उसमें रस्सा त्रिपाल, फिर चलेंगे सफ़र पे। तो दोस्तों गाड़ी वहाँ से लोड करके जो भी हमें रस्सा त्रिपाल करने के बाद हम निकल आए हैं वहाँ से, और दिन के बज चुके हैं आपके जी 5 बजने को है, और गाड़ी लोड करके वहाँ से निकल गए हैं, और कंटिन्यू अभी चले हैं वहाँ से, कोई 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं अभी, हिमाचल बॉर्डर ही हिमाचल में पहुँच गए हम, और चल रहे धीरे धीरे, देखते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अपनी गाड़ी की 56 की प्रति थी, तो अभी प्रेशर पाइप लगा के और हम थोड़ी सी आगे आके यहाँ पे ढाबा है, ढाबे पे रुके हैं और यहाँ पे चाय पानी करेंगे अभी, फिर निकलेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों वहाँ से चाय पानी करके ठंडा वंडा पी पी के हम वहाँ से चले अभी, और अंधेरा हो चुका है, और इस टाइम थोड़ा जानबूझ के भी हम अंधेरे में चले, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी रहता है और गाड़ी के टायर टूर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आराम से ठंडे ठंडे में, और रात को एक तो ट्रैफिक भी कम होती है, उस करके हम रात को सफ़र करना ठीक रहेगा, और उस करके रात को निकले हम, और अभी धीरे धीरे चलते आगे, कहीं नेक्स्ट स्टॉप होगा तो आपसे मुलाकात होगी। रात के 10 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं ढाबे पे, वही ढाबा जहां हमने जाती बार खाना खाया था, और अभी भी वहीं पे पहुंचे हैं, और अभी खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, और ब्लॉग को करते यही है, और नेक्स्ट नाइट ब्लॉग आपको दिखाएंगे, अगर सोए नहीं गए तो नाइट ब्लॉग होगा, अगर कहीं सो गए तो फिर कल का डे का ब्लॉग होगा। बस तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए, कल वाली बात लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ब्लॉग पसंद आए कमेंट में अपनी राय दें, थैंक यू।